Hello friends, this is Harwinder Singh and welcome to the YouTube channel Learn with Harwinder Sir. ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 7th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਂਟ ਫॉर ਵਾਟਰ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो शुरू करने तो पहला एक संदेश, जे अजे तक आप सारे ने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर नू सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब जरूर करो ताकि नवीं वीडियोस आप सारे नू समय से प्राप्त हो सकन। तो दोस्तों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है तो इस करके इस वीडियो नू शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखना। आओ शुरू कर दें। वंस अपॉन अ टाइम अ मैन सोल्ड हिज वेल टू फार्मर। एक बार की गल है, एक आदमी ने अपना खूह किसान नू बेचा। द फार्मर बॉट द वेल सो डैट ही कुड वाटर हिज फील्ड्स। किसान ने खूह इसलिए खरीदया तां जो अपने खेतों को पानी दे सके। द नैक्सट डे वैन द फार्मर वेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम डैट वैल द मैन डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट। तो ड्रॉ वाटर का मतलब होंगे खूह विचों पानी कढ़ना। तो अगले दिन जदों किसान खूह विचों पानी कढ़न गया तो उस बंदे ने उसनों खूह विचों पानी कढ़न तो रोक दिता। ही सेड आई हैव सोल्ड यू द वैल नॉट द वाटर सो यू कैन नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम इट। तो उसने यह कहा कि मैं तेनों खूह बेचे पानी नहीं बेचा, इस करके तू खूह विचों पानी नहीं कट सकता। दे स्टार्टेड आर्गुइंग, उन्होंने बहस हुई। वैन दे कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम दे डिसाइडेड टू टेक द इशू टू द किंग। जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो उन्होंने राजे को इस मामले को ले जाने का फैसला किया। दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देवराय। वो राजा कृष्ण देवराय के दरबार में गए। कृष्ण देवराय वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट रूम। राजा अपने दरबार में बैठा सी। ही वॉज लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम। वो अपने राज के लोगों की शिकायतों को सुन रहा सी। द मैन एंड द फार्मर केम इनसाइड द कोर्ट रूम ऑफ द किंग एंड ग्रीटेड द किंग बाय जॉइनिंग देयर हैंड्स एंड बोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो बंदा तो किसान राजे के दरबार में गए तो उन्होंने अपने हाथ जोड़े तो राजे के सामने झुक के उसनों नमस्कार किया। द फार्मर लुकड वेरी सैड। वो किसान बहुत ही उदास लग रहा सी। कृष्ण देवराय आस्क्ड हिम वाई आर यू लुकिंग सो सैड वट इज़ योर प्रॉब्लम। तो राजा कृष्ण देवराय ने उससे पूछा कि तू इतना उदास क्यों लग रहा है, तेरी प्रॉब्लम की है, तेरी समस्या की है। द फार्मर नरेटेड एवरीथिंग टू द किंग। तो किसान ने सारी गल राजे को दसी। ही सैड इन अ सैड वॉइस योर मैजेस्टी आई एम अ पुअर फार्मर इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू गैट 2 meals एवरी डे प्लीज हेल्प मी। तो किसान ने तुख भरी आवाज़ में राजे को कहा कि महाराज मैं गरीब किसान हाँ तो मेरे लिए दो समय की रोटी खाना भी बहुत औखा है, मेरी मदद की जाए। द किंग सैड ऑल राइट टेल मी योर प्रॉब्लम। तो राजे ने कहा ठीक है मैनू अपनी प्रॉब्लम दस। द फार्मर रिप्लाइड द मैन इज़ माई नेबर आई नीडिड वाटर फॉर माई फील्ड्स आई बॉट अ वेल फ्रॉम हिम टू वाटर माई फील्ड्स। तो किसान ने कहा कि वह जो बंदा है मेरा गुआढ़ी है तो मैनू अपने खेतों लिए पानी चाहिए सी तो मैं इस तो खूह खरीदिया ताकि मैं अपने खेतों को पानी दे सका। द किंग सैड डिड यू नॉट पे हिम द मनी। तो राजे ने पूछा कि तू उन्हें पैसे नहीं दिते। द फार्मर सैड आई डिड योर मैजेस्टी विद ग्रेट डिफिकल्टी आई हैड कलेक्टेड मनी टू बाय अ वेल आई बॉट द वेल फ्रॉम हिम बाय गिविंग हिम द मनी ही हैड आस्क्ड फॉर। तो किसान ने कहा हाँ महाराज मैनू पैसे दिते हैं, बड़ी मुश्किल मैं पैसे इकट्ठे किए फिर मैं इस तो खूह खरीदिया तो जिन्ने पैसे इन्हें मंगे सी उन्हें मैनू दे दिते ने। द किंग आस्क्ड द मैन डिड द फार्मर गिव यू द मनी फॉर द वेल। तो राजे ने फिर उस बंदे तो पूछा कि किसान ने तेनों पैसे दिते ने खूह दे। द मैन सैड येस योर मैजेस्टी। तो उस बंदे ने कहा गुआढ़ी ने कहा हाँ महाराज। द किंग आस्क्ड द फार्मर सो वट इज़ द आर्गूमेंट अबाउट दैन। तो फिर राजे ने किसान को पूछा फिर झगड़ा किस गल का। द फार्मर सैड नाउ ही इज़ आस्किंग मी टू पे द मनी फॉर द वाटर टू। तो किसान ने कहा कि हूँ यह कह रहा कि मैनू पानी दे भी पैसे दो। द वाटर इन द वैल इज़ माइन ना तो पर हूँ जो पानी है खूह का वो तो मेरा ही है। वाई शुड आई पे हिम मोर। तो मैनू होर पैसे क्यों देवां। आई वॉन्ट जस्टिस योर मैजेस्टी। महाराज मैनू न्याय चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। द किंग आस्क्ड द नेबर वट इज़ दिस ट्रू। तो राजे ने गुआढ़ी तो पूछा कि यह सब की है, कि यह गल सच है। द नेबर ऑल्सो प्लीडिड येस योर मैजेस्टी आई सोल्ड हिम द वेल बट नॉट द वाटर इन साइड इट। तो गुआढ़ी ने बेनती करते हुए कहा हाँ महाराज कि मैनू खूह बेचा पर उसके अंदर का पानी नहीं बेचा। द किंग फाउंड द प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंग एंड आस्क्ड तेनाली रामन द वाइजेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट टू सॉल्व इट। तो राजे नू यह समस्या बड़ी दिलचस्प लगी तो उसने तेनाली रामन जो कि उसके दरबार का सब तो सियाणा मिनिस्टर से ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮਨ then said to the neighbor, we understand that you sowed the well to the farmer but not the water। तो तेनाली रामन ने गुआंडी नूं कहा कि असीं यह समझदे हां कि तुसीं खूह वेचिया पर उस दे अंदर दा पानी नहीं वेचिया। yes sir said the man। तो गुआंडी ने कहा हां जी। but you sowed the well and took money for it said तेनाली रामन। तो तेनाली रामन ने उस गुआंडी तो पूछा कि तू हुण खूह वेचता ते उस दे बदले पैसे भी ले ले। yes sir said the man। तो उस बंदे ने कहा हां जी। the wise minister looked at the farmer and said so the well belongs to you and the water belongs to your neighbor। तो वाइज मिनिस्टर कौन है? तेनाली रामन। तो तेनाली रामन ने किसान वाल देखा तो किसान नूं कहा कि खूह तेरा पर उस दे अंदर दा पानी है तेरे गुआंडी दा। yes sir said the farmer। ते किसान ने कहा हाँ जी। so is he giving you the rent for keeping his water in your well asked तेनाली रामन। तो तेनाली रामन ने फिर किसान नूं पूछा कि वह बंदा तेनों अपना पानी तेरे खूह विच रखण दा किराया दे रहा कि नहीं, कि वह पानी रखण दा किराया दे रहा कि नहीं। नो सर सेड द फार्मर स्माइलिंगली। तो किसान ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं जी। ही हैड अंडरस्टूड डैट ही वुड गैट जस्टिस। तो हुण जिहड़ा किसान है समझ गया सीगा कि उसनों जस्टिस मिलेगा, उसनों इंसाफ मिलेगा, उस नाल न्याय होएगा। तेनाली रामन सेड टू द मैन सिंस यू हैव केप्ट योर वाटर इन द वेल यू शुड पे द रेंट टू द फार्मर और टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली। तो तेनाली रामन ने उस बंदे नूं कहा कि क्योंकि तू अपना जिहड़ा पानी खूह विच रखिया होया तां तैनूं किराया देना पैना पानी रखण दे लई, नहीं तां तैनूं अपना पानी कढना पैना। इफ यू डू नॉट टेक आउट द वाटर फ्रॉम द मैनस वेल यू मस्ट पे 2 gold coins एज रेंट टू द फार्मर फॉर कीपिंग योर वाटर इन द फार्मर्स वेल एंड द फार्मर विल पे यू 1 gold coin एवरी मंथ फॉर ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वेल फॉर हिज फील्ड्स। भी जे तू अपना पानी खूह विचों ना कढिया तां तैनूं किराया देना पैना 2 gold coins 2 सोने के सिक्के या 2 सोने दी मोहरां देनिया पैनिया किराए के रूप में कि तू उसके खूह में पानी रख रहा। तो जोड़ा किसान है वह पानी वरतन दे, पानी नू यूज़ करन दे पैसे देगा। किन्ने पैसे देगा? 1 सोने का सिक्का देगा। हर महीने 1 सोने का सिक्का देगा भी वो तेरे वो खूह का पानी है वरत रहा। किंग कृष्ण देवराय स्टार्टेड स्माइलिंग एट हाउ तेनाली रामन हैड सॉल्व दिस ट्रिकी सिचुएशन एंड डन जस्टिस टू। तो हुण राजा कृष्ण देव राय भी मुस्कुरा पे यह देख के कि तेनाली रामन ने किस तरह यह गुंझलदार सिचुएशन नू सॉल्व किया, जस्टिस भी किया, न्याय भी किया, इंसाफ भी किया। तेनाली रामन प्रूव डैट ग्रीड इज नॉट गुड एंड पनिश द नेबर फॉर हिज डिसऑनेस्टी। तो तेनाली रामन ने यह साबित करता भी जिहड़ी लालच है चंगी चीज़ नहीं है, तो गुआंढी नू उसकी बेईमानी की सज़ा भी दी। तो दोस्तों ऐसे का तुहाडा पाठ रेंट फॉर वाटर जिस विच असीं यह देखिया कि किस तरह तेनाली रामन ने अपनी सियाणप नाल एक गुंझलदार केस नू सॉल्व भी किया। तो इस पाठ तो तुहानूं यह सिक्ख्या मिलती है कि सानू लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों मैनूं पूरी उम्मीद है कि आप सारिआं नूं यह कहानी बहुत ही चंगी तरह समझ आ गई होनी। हुण समय इसका अभ्यास हल करन दा, पर उस तो पहले पोस्ट रीडिंग हुंदा रीडिंग तो बाद। तो रीडिंग तो बाद किहड़ा सैक्शन है? वोकैबुलरी एक्सपेंशन। वोकैबुलरी हुंदा शब्दावली, एक्सपेंशन हुंदा वाधा। तो हुण साडी शब्दावली विच किहड़े शब्दां दा वाधा होएगा वो असीं देखदे हां। सब तो पहले ड्रॉ वाटर दा मतलब हुंदा खूह विचों पानी कढना। इस तो बाद है योर मैजेस्टी है रिस्पैक्ट विच, राजे दी रिस्पैक्ट विच किहा जांदा। गैट जस्टिस का मतलब होंगे टू बी ट्रीटेड जस्टली, भी न्याय होना, किसी नाल जस्टिस होना, इंसाफ होना। इंस्टैड ऑफ होंगे भी एक चीज़ के बदले दूजी चीज़। तो साड़ी बुक विच भी लिखा वी से इंस्टैड ऑफ टू मीन वन थिंग और परसन विल रिप्लेस एनदर थिंग और परसन। तो जिमें इसका उदाहरण है कि आई थिंक आई विल हैव टी इंस्टैड ऑफ कॉफी टूडे। तो मैं यह लगता कि मैं चाह पीवांगा कॉफी के बदले, या मैं यह लग रहा है कि मैं कॉफी के बदले चाह पीवांगा। तो एक्टिविटी 2 करांगे सानू इंस्टैड ऑफ होर क्लीयर हो जाएगा। तो एक्टिविटी 2 विच लिखा इंसर्ट इंस्टैड ऑफ इन द फॉलोइंग सेंटेंसिस वेयर एवर नीडिड। भी जिते क्यों सानू सेंटेंस दिते हुए ने तो उस विच इंस्टैड ऑफ मिसिंग है, तो सानू वो फिल करना भी असीं वो किधर फिल करांगे। टुडे आई विल हैव बटर जैम ऑन माई ब्रैड। तो या तो ब्रैड विच बटर लगता या जैम लगता, तो इत्थे इंस्टैड ऑफ आएगा बटर ते जैम दे विचकार। टुडे आई विल हैव बटर इंस्टैड ऑफ जैम ऑन माई ब्रैड। सेकेंड है बाय मिस्टेक साहिब वेंट टू द रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट टू पिकअप हिज फ्रेंड। तो पिकअप करने लिए यहाँ से रेलवे स्टेशन जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं। तथ्य आ जाएगा, बाय मिस्टेक्स आई हैव वेंट टू द रेलवे स्टेशन इंस्टेड ऑफ एयरपोर्ट टू पिकअप हिज फ्रेंड। अगला है आई वॉन्ट टू बाय सैमसंग मोबाइल एप्पल, तथ्य आ जाएगा आई वॉन्ट टू बाय सैमसंग मोबाइल इंस्टेड ऑफ एप्पल। इस तो बाद है आई वोर ब्लू सॉक्स रेड, तथ्य आ जाएगा आई वोर ब्लू सॉक्स इंस्टेड ऑफ रेड। राजेंद्र हैड फ्रेश क्रीम कस्टर्ड, राजेंद्र हैड फ्रेश क्रीम इंस्टेड ऑफ कस्टर्ड। इस तो बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन आंसर्स करने जिसमें सब तो पहला है वाई डिड द फार्मर बाय द वेल, कि किसान ने खूह क्यों खरीद दिया। द फार्मर बॉट द वेल सो डैट ही कुड वाटर हिज फील्ड्स, ताकि वो अपने खेतों को पानी दे सके। हु डिड ही बाय इट फ्रॉम, कि उसने किस तो खरीदिया। ही बॉट इट फ्रॉम हिज नेबर, उसने अपने गुआंढी तो खरीदिया। वट वॉज द आर्गूमेंट बिटवीन द फार्मर एंड हिज नेबर अबाउट, तो किस फार्मर किसान उसके गुआंढी के विचकार किस चीज़ का झगड़ा सी। तो जो शॉर्ट आंसर लिखना होता तुम यह भी लिख सकते हो द आर्गूमेंट बिटवीन द फार्मर एंड हिज नेबर वॉज अबाउट द वाटर ऑफ द वेल। पर जैसे डिटेल में आंसर देखिए तो डिटेल आंसर ऐसा बनता है द फार्मर वांटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल बट द नेबर सेड दैट ही हैड सोल्ड द वेल बट नॉट द वाटर इनसाइड इट। तो यह डिटेल्ड आंसर तो सानू पूरी गल साफ हो जाती है। अगला है वेयर डिड दे गो टू सॉल्व द इशू, तो वो अपने इस मामले का हल करन किधर गए। दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देवराय टू सॉल्व द इशू, वो राजे कृष्ण देवराय के दरबार विच गए। वट डिड द किंग डू टू सॉल्व देयर केस, राजे ने की किया। द किंग आस्क्ड तेनाली रामन टू सॉल्व द केस, तो राजे ने तेनाली रामन नू कहा कि इस केस नू सॉल्व कर। तो तुसी यह भी लिख सकते हो द किंग आस्क्ड द तेनाली रामन द वाइजेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट टू सॉल्व द केस, तो तुसी यह भी लिख सकते हो। हाउ डिड तेनाली रामन सॉल्व दिस केस, कि तेनाली रामन ने केस नू किस तरह सॉल्व किया। तेनाली रामन आस्क्ड द नेबर टू गिव द रेंट फॉर वाटर इनसाइड द वेल, दिस इज हाउ ही सॉल्व द केस, कि तेनाली रामन ने गुआंढी नू कहा कि तू जड़ा खूह विच पानी रखा होया तो उसका किराया दे, तो इस तरह उसने केस नू सॉल्व किया। हुण एक्टिविटी 4 रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो तुसी पढ़ो क्वेश्चन नू ते उसका आंसर दिओ। द फार्मर बॉट द वेल सो डैट ही कुड वाटर हिज फील्ड्स, हु इज ही इन द सेंटेंस, इत्थे ही कौन है। द फार्मर हैड बॉट द वेल सो डैट ही कुड वाटर हिज फील्ड्स, इत्थे ही है द फार्मर। ते फार्मर ते ही है एक प्रोनाउन है भी जिहड़े शब्द नाउन दी थां वरते जांदे हन उहनां नूं प्रोनाउन कहा जांदा, ते इंग्लिश विच प्रोनाउन। नैक्सट है आई हैव सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर सो यू कैनॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम इट, वट डज इट मीन इन द सेंटेंस, कि तुसी उस विचों पानी नहीं कट सकदे, ते वट डज इट मीन, तो इट है द वेल। दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देव राय, ओ राजे कृष्ण देव राय के दरबार विच गए। हु आर दे इन द सेंटेंस, द फार्मर एंड हिज नेबर, किसान ते उसका गुआंढी। ही वॉज लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम, वो अपने राज दे लोकां दी शिकायतां नूं सुन रहा सी। हु इज ही इन द सेंटेंस, द किंग, या तुसी किंग कृष्ण देव राय भी लिख सकते हो। आई बॉट अ वेल फ्रॉम हिम टू वाटर माई फील्ड्स, हु इज हिम इन द सेंटेंस, कि मैं उसको खूह खरीदिया ताकि मैं अपने खेतों को पानी दे सका, तो हिम कौन है, द नेबर। हुण एक्टिविटी 5 रीड द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन द गिवन ब्लैंक्स। तो हुण असी क्वेश्चन आंसर करने। दे डिसाइडेड टू टेक द इशू टू द किंग, वट वॉज द इशू, कि उन्होंने इस मामले को राजे को ले जाने का फैसला किया, तो किस गल का मामला सी। द इशू वॉज रिगार्डिंग द वाटर ऑफ द वेल, कि खूह के पानी का इशू सी। वाई आर यू लुकिंग सैड, हु वॉज लुकिंग सैड एंड वाई, भी तुसी उदास क्यों लग रहे हो, तो कौन उदास सीगा ते क्यों। द फार्मर वॉज लुकिंग सैड बिकॉज द नेबर वॉज नॉट लैटिंग हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो किसान उदास लग रहा सीगा क्योंकि जिहड़ा उसका गुआंढी उसनूं खूह विचों पानी कड्ढण नहीं सी दे रहा। आई वॉन्ट जस्टिस यूर मैजेस्टी, वट वॉज द फार्मरस आर्गूमेंट, मैनू न्याय चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए महाराज, तो किसान का की तर्क सी। The farmer's argument was that he had paid for the well and the water inside it. तो उस किसान का यह तर्क सी कि उसने खूह वास्ते और उसके अंदर के पानी के भी पैसे दिते हैं। तेनाली रामन हैड सॉल्व दिस ट्रिकी सिचुएशन, हाउ डिड तेनाली राम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि तेनाली रामन ने इस गुंझलदार ट्रिकी सिचुएशन को भी सॉल्व किया, तो किस तरह किया। तेनाली रामन आस्क्ड द नेबर टू गिव रेंट फॉर वाटर इनसाइड द वेल, दिस इज हाउ ही सॉल्व द केस, भी तेनाली रामन ने गुआंढी नू कहा कि तू जड़ा अपना पानी खूद विच रखिया तू उसका किराया दे, तो इस तरह उसने इस केस नू सॉल्व किया। तो दोस्तों ऐ तुसीं लिटरेचर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तो अगले वीडियो में असीं इस चैप्टर का ग्रामर पार्ट करांगे जिसका लिंक थले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिता गया तो आप सारे की स्क्रीन के सामने भी आ रहा। तो ग्रामर पार्ट करने लिए आप सारे विद्यार्थी उस वीडियो में भी जरूर देखो।